किस वजह से नहीं है साहब भरोसा आपको उनके ऊपर? अरे कौन सी बात सीएम साहब बोले सो करे जी, मुकम्मिल जरा मेरे को बोलो, कुछ तो भी करे, कुछ तो भी करे। 12% दिए मुसलमानों को, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी दिए, डबल बेडरूम दिए, नौकरियां दिए, लोन मिला, कुछ भी नहीं मिला, ड्रामा। हम एबिट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं, एबिट्स पे कंप्लेंट देते हैं कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सीईओ और जितने भी उनके बोर्ड मेंबर्स है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करे, एंड इसके लिए इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनता। सेक्रेटरीट के अंदर 7th और 8th जुलाई दो मस्जिद एक मंदिर डिमोलिश कर दिए, उसके सिलसिले में हम सैफाबाद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लॉन्च करे थे। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल, इंजीनियरिंग चीफ, रोड्स एंड R&B, एंडोनमेंट डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, सीईओ वक्फ बोर्ड, इन लोगों के ऊपर हम ये कंप्लेंट डाले थे कि देखिए साहब, कौन ना कोई तो अकाउंटेबल रहना, जिम्मेदारी लेना। आप बोलते एक ऊपर से डरबिस गिरा, बोले तो एक बंडा गिरा और मस्जिद और मंदिर को आप डैमेज कर दिए, मगर हकीकत क्या है, आप पूरी डिसमेंटल कर दिए, तो कौन ना कोई अकाउंटेबल रहना ना। तो हम जब सैफाबाद जाके कंप्लेंट डाल दे तो वापस सैफाबाद पुलिस हमको नोटिस दे के ये बोलती कि हम FIR लॉन्च नहीं कर सकते, नॉन कॉग्निजेबल केस है, और ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का रेफरेंस देते हुए बोलती कि FIR इशू करना मैंडेटरी नहीं है। इसके तहत हम इमीडिएटली क्रिमिनल कोर्ट जाते और क्रिमिनल कोर्ट से हम बोलते कि आप ये सेक्शंस 153, 153A, 419, 420, 447 और 448 IPC के तहत इनके ऊपर आप चार्जेस फ्रेम करिए। साथ ही साथ हम एबिट्स पुलिस स्टेशन जाते हैं, एबिट्स पे कंप्लेंट देते कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन सीईओ और जितने भी उनके बोर्ड मेंबर्स है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करे, एंड इसके लिए इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनता। क्योंकि आप जब वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये ड्यूटी है कि अगर से मस्जिद का इतना झंडा भी डैमेज होता तो आपको केस बुक कराना पड़ता। आप एक खाना मस्जिद अंबर पेट जब डिमोलिश होती तो आप जाते वहाँ पे कंप्लेंट डालते, आप आशुर खाने नारायण पेट के अंदर शहीद होते वहाँ पे आप जाके कंप्लेंट डालते, और यहाँ पे मस्जिद दो मस्जिदा शहीद होते और आप कंप्लेंट नहीं डालते, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और पूरी कमेटी के ऊपर भी हम केसेस फाइल करो बोले अंडर 166, 21 IPC एंड 295 IPC। वहाँ पर भी सेम नोटिस वापस हमारे को भिजाते और ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश नॉन कॉग्निजेबल है, FIR मैंडेटरी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम कोर्ट को गए, क्रिमिनल कोर्ट जाके बोले कि आप इन लोगों को ये केस में बुक करिए। तीसरा, हम हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन डाले वक्फ बोर्ड चेयरमैन और उनकी पूरी कमेटी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूटी सही नहीं करे, आप कानून को अमल नहीं करे और जिसके बुनियाद के लिए आप वक्फ बोर्ड बना हुआ है उसके आप धज्जियाँ उड़ा दिए और आप खामोशी इख्तियार करें, आप अंधे हो गए, आप भैरे हो गए, उसके लिए हमें क्रेडिट डाले। साथ ही साथ हम बोले कि चीफ मिनिस्टर जब वादा कर दिए हैं कि मंदिर और मस्जिद बनाते और मस्जिद वापस बनाएंगे, ओके राइट, असेंबली में भी बोले चीफ मिनिस्टर, उसके लिए हम अप्रिशिएट भी करते और चीफ मिनिस्टर की बात को हम अग्री भी करते, बट जब तक वो जगह पे नहीं बनी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर कभी भी वादे करते और झूठ बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, ज़र्रा हमारे को डाउट है। अगर जो चीफ मिनिस्टर के पास क्लैरिटी रहती तो चीफ मिनिस्टर अपोजिशन को लेकर चले आते थे, ले जाके बताते थे कि देखिए भाई, आपके पास आपका गेजेट है, 647 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है, ये वक्फ का लैंड है, एक टाइम वक्फ लैंड, लाइफ टाइम वक्फ लैंड, एक टाइम अल्लाह का लैंड, अल्लाह का लैंड, ये आपका है, मैं यहीं बना रहा हूँ, बोल के या तो आप प्लान बताते या प्रेस वालों को लिख जाते, अपोजिशन को लिख जाते, वो अभी तक नहीं हुआ। तो मैं और हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन साहब सोहेल साहब आरके एक रिट डाले हाई कोर्ट में, रिट में हम ये बोले टेम्परवरी हमारे नमाज पढ़ने का और हमारे हिंदू भाइयों को पूजा करने का आप परमिशन दे दीजिए 20 जनों का, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग करके करते। तो ये केस चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान के पास गया और चौहान साहब गवर्नमेंट से पूछी क्यों नहीं नमाज पढ़ सकते इन लोगों,
तो गवर्नमेंट बोली कि हम काउंटर देंगे, तो काउंटर गवर्नमेंट 8 अक्टूबर को 2 दिन के बाद फाइल करने वाली है और इंशाल्लाह हमको कोर्ट पे उम्मीद है कि हमारे को परमिशन मिलेगा और इंशाल्लाह हम 20 जने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ेंगे, हिंदू भाई आ जाके पूजा करेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको बताना था। 2 केसेस जो हम सैफाबाद और एबिट्स है वो हम क्रिमिनल कोर्ट को चले गए और 2 रिट जो है, एक नमाज़ पढ़ने का, एक वक्फ बोर्ड को और वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबर्स को बर्खास्त करो, वो हाई कोर्ट को गए हम। तो कांग्रेस पार्टी खाली धरना करने को करने कर रही, मगर कांग्रेस पार्टी चाहती कि कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट आए और ये जो अवेयरनेस का मामला है ये चलते जाए, क्योंकि जब मस्जिद और मंदिर को डैमेज हो गया और उसको आप डिमोलिश कर दिए या मेरी लैंग्वेज में शहीद हो गए, और अगर से मैं अगर से अंदर की आवाज़ से बोले तो मस्जिद का मर्डर हो गया, उसके बाद किसी ना किसी को तो सज़ा मिलना ज़रूरी है। कौन है भाई अकाउंटेबल? वो काम करता सो कॉन्ट्रैक्टर, या वो प्रोक्लेन चला रहा सो ड्राइवर, या वो कॉन्ट्रैक्ट दिया सो चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार? कोई ना कोई तो अकाउंटेबल रहना। आप बात करें तो मुख्यमंत्री बात करें तो अकाउंटेबिलिटी की बात करते, ट्रांसपेरेंसी की बात करते, हमारी गवर्नमेंट इतनी पाक साफ है बोलते, मगर आप जब भी चाहते तो आप केस नहीं बुक करते। आप बताइए, शहर नाक के नीचे मस्जिद और मंदिर डिमोलिश होती और केस नहीं बुक करते, और इतना अच्छा नोटिस वापस दे देते आप कि FIR देना मैंडेटरी नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो गवर्नमेंट रहो, पुलिस रहो, अंधे बने हुए हैं। तो हम कानून कोर्ट पे बहुत भरोसा है हमारे को और इंशाल्लाह कोर्ट से हमारे को जस्टिस मिलता, बल्कि पूरी उम्मीद है फिरोज खान को और कांग्रेस पार्टी को।